नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज चैनल पर। यह समाचार मेरे साथ। कुंडला रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लंबे अरसे से बनी हुई है मजार। फिरोजाबाद के कुंडला रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लंबे अरसे से मजार बनी हुई है। यह मजार लगभग 200 साल पुरानी है। हालांकि इस बारे में किसी के भी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। आखिर यह मजार कितनी पुरानी है, इस मजार को किसने बनवाया था। फिलहाल टुंडला रेलवे स्टेशन पर यह मजार दिखाई देती है, जहां लोगों के आने जाने का तांता हमेशा लगा रहता है। लोग अपनी मान्यताओं को लेकर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। देखिए हमारे सहयोगी वीपी बघेल की यह रिपोर्ट टुंडला से। खबर और भी है, देखते रहिए जनादेश भारत न्यूज चैनल पर अपडेट, ताजा खबर। नमस्कार, देखते रहिए समाचार। अस्पाक जी, आप यहाँ लोको वाले बाबा पे सेवा करने के लिए रहते हैं जी। और ये टुंडला रेलवे प्लेटफार्म के 3 नंबर पे स्थापित है जी। पहले ये कब से यहाँ स्थापित हैं और इनकी क्या मानता है, क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब ये है, पहले ये 1 नंबर प्लेटफार्म था, अब ये 1 से 3 होगा। ठीक है, मैं भी अब बहुत अरसा हो गया, मेरी भी करीबन 6 पीढ़ी बदल गई यहाँ पे, अंग्रेजों के जमाने से ही तरह। और मेरी भी अभी 6 पीढ़ी बदल गई, और जब से भी मैं करीबन सन 75 से तो मैं ही आ रहा हूँ बचपन से। और यहाँ की बहुत बड़ी मानता है, सातों जातियाँ मानती हैं, और मान लो रेलवे स्टाफ भी बहुत मानता है। कानपुर का, बनारस का, और लखनऊ का, इलाहाबाद का, और अलीगढ़ का, कानपुर का, यानी दुनिया की जो सातों जात यहाँ आती है और उनकी मानता बाबा की करती है। अच्छा, जैसा कि इस समय वो एक चल रहा है कि अजान वगैरह को लेके एक मामला चल रहा है, तो ऐसे कोई शासन आदेश आया है आपको, कोई यहाँ मजार के संबंध में कोई शासन आदेश मिला है? यहाँ तो अभी फिलहाल में कोई नहीं आया, कैसा भी है ना अजान का आया। मान लो यहाँ सब अपनी मान्यता के लिए आते हैं, वो अपने मान्यता की अपने हंसी खुशी अपने अपने घर चलेगा। जैसा कि पहले बताते हैं, ये यहाँ लोगो था पुराना, तो वहाँ पर ये स्थापित थे, उसके बाद में इनको प्लेटफार्म नंबर 2 पर स्थापित किया गया। क्या वजह रही कि वहाँ से मतलब जो है 2 नंबर प्लेटफार्म पर स्थापित किया गया? 2 नंबर नहीं सर, वो तो यहीं थे। जब मान लो जब लूप लाइन निकली थी बहुत पहले अच्छे से, जो हमारे बर्फों के जमाने में, यही यहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी, यही पे इनको स्थापना दी गई थी, सातों जात ने दी थी, सातों जात ने इनको स्थापना दी थी यहाँ पे। नहीं, ऐसा सुना जाता है कि अब यहाँ लूप लाइन निकाली जा रही थी पहले अरसे में, तो बाबा का मजार निकला था यहाँ पे। बाबा ने बोलते बोला दुनिया भर का कर दिया था, दिन में लाइन डल जाती थी, रात में उखड़ जाती थी। ये अंग्रेजी जमाने की बात है, हमारे पुरखे हमें बताते थे, हम उनको बात बता रहे हैं आपको। और ये तो दुनिया का यहाँ पे बाबा ने कुत्ता भी बने बाबा, और दुनिया को काटा पूर्ति करी, दुनिया को सपने दिए अंग्रेजों को, जब यहाँ स्थापना हुई थी बाबा की। क्या नाम है आपका? मैं रामतीर्थ सिंह चक, ब्रजक्षेत्र कार्य समिति सदस्य हूँ यहाँ से, बीजेपी से। अच्छा सर, जैसे कि टुंडला के प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक लोको वाले बाबा की मजार है, तो ऐसा कोई इनको हटवाने का कोई आदेश आया है शासन आदेश? अभी हम लोगों के संज्ञान में ये मामला नहीं है कि कोई भी शासन आदेश इस मजार को हटाने के लिए यहाँ पर रेल प्रशासन को आया है या नहीं आया, हमारे संज्ञान में भी ऐसा मसला नहीं है। और बाकी उक्त मजार को हम कई दशकों से यहाँ पर देख रहे हैं। यह मजार पहले यहाँ पर लोगो थी, एक पुरानी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के नीचे ये मजार स्थापित थी, और जबी से यहाँ पर सभी धर्मों के लोग इस मजार की पूजा करने के लिए आते हैं। और उक्त मजार पर ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हों या कोई ऐसा विशेष यहाँ पर भीड़ होती हो। जो लोग लोगों वाले बाबा को मानते हैं उस आधार पर यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं।